मैं तो सिर्फ यही कहता था मरियम के पापा, पीछे वाले 100 लोग कहते थे मैंडेट चोर है, ये बड़ी ज्यादती है उन लोगों के विषय जो पार्टी के वर्कर है। हम इधर अपनी असेंबली बना लेंगे, हमारा जो स्पीकर इधर बैठेगा, इन्होंने चोर खा वो 100 के 100 हमारे अंदर है। अतिशन का भारत जारी है, कल इनकी 11 बंदों की एंट्री बंद की गई थी। हमारे साथ यहाँ पे राणा शहबाज मौजूद है। भाई आप लोगों ने भारत जांच शुरू कर दी है, क्या कहेंगे, क्यों नहीं अंदर जाने दे रहे? देखिए जी, कल जिस तरीके से 147 वाली वजीर आला के खिलाफ एहतजाज हुआ, उनको तकरीर नहीं करने दी। हाई कोर्ट ने कहा ये अपना हल्फिया बयान जमा कराए और ये अपने फॉर्म 45 लेकर आए, उन्होंने अदालत पर अदम इतमाद का इजहार कर दिया। हमने तो यही कहा था कि ये जाली बजट है, IMF का बजट आप इधर, तो हमने जब उनको कहा तकरीर उन्होंने शुरू की तो अपोजिशन ने कहा कि नारे लगाए इमरान खान को रिहा किया जाए। आप यहाँ पे धरना देंगे, अपनी असेंबली बनाएंगे? मैं बता, आज मलिक अहमद खान साहब ने बातें की हैं तकरीर के अंदर कि हम इनको माफ नहीं करेंगे, इन्होंने गालियां दी हैं। मैं कहता हूँ हमारा रिकॉर्ड निकाल ले, हमने किसी को नारे लगाए थे बता दें। मैंने तो, उन्होंने कहा जी चोर के नारे लगाए, लेकिन मैंने चोर का नारा भी नहीं लगाया। मैं तो सिर्फ यही कहता था मरियम के पापा, पीछे वाले 100 लोग कहते थे मैंडेट चोर है, उनको निकाला नहीं है। देखिए ये बड़ी ज्यादती है उन लोगों के विषय जो पार्टी के वर्कर है, जो भी निकाल रहे हैं अभी उनको भी छोड़ा। हम इधर अपनी असेंबली बना लेंगे, हमारा जो स्पीकर इधर बैठेगा, हमारी इधर सारा निजाम चलेगा। देखे जिन्होंने चोर खा वो 100 के 100 हमारे अंदर है। अच्छा, ये आपको इतराज है? मुझे इतराज है। देखे मैं तो सिर्फ मरियम के पापा ही कहता था, जो सारे कहते थे मैंडेट चोर है उनको इन्होंने अभी यहाँ पर एहतजाज जारी रहेगा मजीद। देखिए हमारा एहतजाज जारी रहेगा, ये 15 दिन तो क्या 15 साल के लिए भी हमारे ऊपर पाबंदी लगा दे, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। लेकिन मैं इनसे अब मैं इनको एक मेन बात करूंगा जिसमें ये 3 बातों का जवाब दे दे। उन्होंने कहा जी इन्होंने गालियां दी, मैं कहता हूं कि कोई वीडियो रिकॉर्ड है जहां पर मैंने उनको गालियां दी हो या चोर का हो, लेकिन मैं कहता हूँ 5 लोगों का, स्पीकर मलिक अहमद खान साहब, डिप्टी स्पीकर चन्नर साहब, सलमान रफीक साहब सेहत के वसीर, और दूसरा जो है इनके साथ समीउल्लाह खान, ये हलफ दे दे कि ये इधर 47 वाले MPA नहीं बैठे हुए, अगर 47 वाले MPS बैठे हुए हैं, मैंडेट चोर बैठे हुए हैं, तो इस नारे पर इनको इतराज हुआ। हम इधर खड़े रहेंगे और अपना हम असेंबली इधर चलाएंगे। सबसे पहले जो है ये एहतजाज हमारे मेंबर्स को इन्होंने बड़ा गैर कानूनी और गैर जमहूरी तरीके से निकाला, उसका एहतजाज हो रहा है। उसके बाद हम अंदर जाएंगे उसके मौके की मुनासबत पे जो उन्होंने कल, बड़े माशाल्लाह सीनियर पॉलिटिशियन है, आपने कभी अपनी हिस्ट्री में एहतजाज पे रुकनी एंट्री बैन होते देखा? नहीं, मैंने कम अज कम नहीं देखा, ना इस तरह देखा है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन का हमला भी दिया गया उसके, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, ये जो कर रहे हैं गैर, इसको हम जुबान में अपनी जुबान में कहते हैं ये, इसको कि ये कू है, पॉलिटिकल कू है ये। सही हो गया, ठीक हो गया, आपने गुफ्तगू सुनी। अपोजिशन अरकान का कहना है कि यहाँ पर हम अपनी असेंबली लगाएंगे और धरना जो है वो जारी रहेगा। आज की वीडियो के साथ मुझे दे इजाजत, अल्लाह।